देखिए क्वेश्चन, दो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 156 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा, यह आपको बताना। तो देखिए, अपने पहला जो सम बहुभुज है उसका प्रत्येक अंतःकोण कितना, 156 डिग्री है। अगर अंतःकोण 156 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, ये तो है इंटीरियर एंगल, तो अपने को बताना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो ये देखिए 4 हो गया, तो ये 60 हो जाएगा, 60 और ये 20 80 हो जाएगा। टोटल अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हमारे को क्या मिल गया, हमारे को ये मिल गया कि बाह्य कोण कितना होगा, 24 डिग्री होगा। तो अब हम बता सकते हैं कि इसमें भुजा कितनी होगी, क्योंकि देखो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाह्य भुज होता है, सभी जो जितने भी बाह्य आपके पास में कोण होते हैं उन सभी का योग कितना होता है, 360। और एक कोण कितना है, 24 डिग्री का। तो 24 से कट जाएगा, 24 से कम 24, 24 बन जाए 120, यानी हमारे पास में भुजाएं कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कितनी भुजा हो जाएगी, 15 भुजाएं हो जाएगी। अब देखिए आपके पास में क्या दे रखा है, 15 भुजा, तो ये हो गई। इसमें ये क्या कहता है कि दो सम बहुभुज में भुजाओं का अनुपात 5:3 है। 5:3 यानी 5 और ये 3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 15 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया था 15 आया, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 क्या आ गई, भुजा आ गई। अब हम जानते हैं कि हमारे पास में बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360, और हमारे पास में टोटल कितनी भुजा है, 9 भुजा। 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 जो 36। इसका मतलब जो बाह्य कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। अगर बाह्य कोण अगर 40 डिग्री का, अंतःकोण कितना होगा, बाह्य कोण अगर 40 है तो अंतःकोण 140 होगा। दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अंतःकोण कितना हो जाएगा इसका, 140 डिग्री। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आपके दिमाग में सिर्फ ये इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आपको क्वेश्चन को सिर्फ देखकर इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, दो सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 9:10 है, तब उनके भुजाओं की संख्या क्या होगी, ये आपको बतानी। तो देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले अपने आगे क्या करना है, दोनों भुजाओं का रेशियो दे रखा 2:3, 2:3 लिख लेना। उसके पास में आंतरिक कोणों का रेशियो दे रखा कितना, 9:10, तो 9/10 कर देना है, ठीक है। काटेंगे कितनी बार आ जाएगा, दो दो को 5 से काट लेंगे, 3 को किससे काट लेंगे, 9 से काट लेंगे, कितनी बार, 3। तो हमारे पास में रेशियो क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या करना होगा, जो भी ऑप्शन है उसमें से दो दो कम कर देना, दोनों में से दो दो कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास में दो कम करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 12 में से दो कम करेंगे तो 10 हो जाएगा। दोनों का काटेंगे किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10। दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 3:5 क्या, दूसरों का भी आ रहा है। हमारे को करना क्या, इसमें से दो घटाना, इसमें भी इससे भी दो घटाना, इसमें से दो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। इसमें से दो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। 7:4:7 ये नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला देखेंगे 2 2 आ जाएगा, इसमें से अगर हम 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 1:2 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं। इसको भी देखेंगे 8 आ जाएगा, इसमें से 2 घटाएंगे 13, 8:13, ये भी ऑप्शन नहीं। ऑप्शन ओनली कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोनों में से दो दो घटाएंगे तो इनका जो रेशियो बन रहा है 3:5 है, जो अपने क्या है, अपने पास में 3:5 है। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, दो सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 4:5 है और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 25:26 है, तो उनके भुजाओं की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में मेथड क्या, हमारे पास में जो ट्रिक है वही लगाते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो साइड का रेशियो, इससे मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, हमारे पास में जो आंतरिक कोण दे रखा है, जो इंटीरियर एंगल दे रखा है, उन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 25/26। 4 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितनी बार, ये कट जाएगा 13 बार, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10:13, तो जिसमें 10:13 होगा वो अपना आंसर होगा। किस किस में 10:13 मिल रहा है, दोनों में से 2 2 कम करना है, दोनों में क्या करना है, 2 2 कम करना है। इसमें 2 कम कर देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, 2:3:4 होगा, जो आंसर नहीं होगा। अगला देखेंगे, 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसमें 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। इसमें 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसमें 2 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13। 10:13, यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर इसको भी आप चेक करोगे, 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा,
14, 10 में से 2 घटाओ, 20 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 18, 2 से 14 और 2 नम 18, 7:9 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या 4p+2 है, जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है, इसके आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण की मापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक कोण ज्ञात करना, नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 × 180। यहां तक करने पर हमारे पास में क्या मिल जाता है? जितने भी आंतरिक कोण है उन सभी का योग डिवाइड बाई एन करने पर क्या मिल जाता है? प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाता है। और हमारे को किस किस का अनुपात है? ये तो हो गया प्रत्येक आंतरिक कोण, और दूसरा क्या है हमारे पास में? बाईस कोण का अनुपात देखना। बाईस कोण जो होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री डिवाइड बाई एन होता है। एन से तो एन कैंसिल हो जाएगा, 18 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा, यानी हमारे पास में क्या हो जाएगा? n-2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यानी हमारे पास में जो भी दे रखा होगा एन, जो पूजा दे रखी होगी उसमें से 2 घटा के उसके डिवाइड में क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। n की वैल्यू कितनी है? 4p+2। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? 4p, और नीचे क्या बच जाएगा? 2। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2p रेशियो ये क्या हो जाएगा? 1। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? 2p और रेशियो 1। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, पंचभुज का एक कोण 140 डिग्री है, यदि शेष कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का आकार कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए पंचभुज है, पेंटागन है, तो इसमें हम अंत कोणों का योग कैसे निकालते हैं? n-2 × 180, अंत कोणों का योग हो जाएगा। हमारे पास में n की वैल्यू कितनी दे रही है? भुजा कितनी? पेंटागन है तो भुजा कितनी होगी? 5 होगी। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 × 18, और ये 0 हो जाएगा। 54 हो जाएगा, यानी 540 डिग्री हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। 540 में से एक कोण अपने को देर का कितना? 140, तो 140 घटा देंगे, कितना बचेगा? देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा? 5 में से 1 गया 4, यानी 400 डिग्री हमारे पास में बच जाएगा। एक कोण तो हो गया, ये 4 कोण बचे, जो हमारे पास में रेशियो में वैल्यू कितनी देर की है? 1:2:3:4। तो हमारे पास में टोटल रेशियो में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 3 = 7 + 2 = 9 = 10। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? 10 के बराबर हो जाएगी। और अपने को क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन कौन सा होगा? ये 4 से मल्टीपल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से तो 0 कट जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और ये वाला 0। तो सबसे बड़ा कौन कितने डिग्री का होगा? 160 डिग्री का होगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक समपंचभुज के शीर्षों को खींचकर भुजाओं को चौड़ा करके एक स्टार बनाया गया है, इस स्टार के प्रत्येक कोण की माप क्या होगी ये आपको बतानी। यानी एक पेंटागन है, एक पंचभुज है इस तरीके से, ठीक है, ये पंचभुज है और ये क्या है? सब समपंचभुज है, यानी सभी जो भुजाएं हैं वो कैसी है? बराबर है। तो इनकी भुजाओं को क्या किया जाता है? बीच में से यहां से पकड़ के खींचा जाता है, तो ये क्या बन जाता है? स्टार बन जाता है। ये देखिए इस भुजा को इस तरीके से खींच देंगे, ये वाली भुजा को यहाँ से पकड़ के खींचेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये वाली भुजा भी खींचेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ये इस भुजा को पकड़ के खींचेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा कुछ, और इस भुजा को पकड़ के खींचेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या बन जाता है? एक स्टार बन जाता है। क्या बन जाता है? एक स्टार बन जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके जो ये जो आंतरिक कोण ये कितना डिग्री का होगा। तो देखिए हमारे पास में पंचभुज है, n-2 × 180, 5 में से 2 गया 3, 18 = 54, यानी 540 होगा टोटल। टोटल जो हमारे पास में अंतर कोण होगा ये कितना होगा? 540। हमारे पास में टोटल कितना है? 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 × 5 और 5 × 8 = 40, यानी 108 डिग्री। आंतरिक कोण ये कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। तो ये अंतर कोण अगर 108 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, अंदर वाला कोण तो कोण कितना होगा? 108 डिग्री। तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा? इसका बाह्य कोण हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। ये 72, ये 72, दोनों ही भुजाएं कैसी होगी? ये बराबर होगी। बीच से पकड़ के खींच रहे हैं तो आधी भुजा इस तरफ से, आधी भुजा इस तरफ से, तो दोनों ही एंगल कितना हो गए? 72 72। तो देखिए त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। बेहतर और बेहतर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 144 में कितना जोड़ेंगे? 180, तो कितना जोड़ेंगे?
36 डिग्री अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास में 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास में ये कहता है स्टार के प्रत्येक कोण कितना होगा, तो ये सारे कितना होंगे 36 डिग्री होंगे, ये भी कितना होगा 36 डिग्री, ये भी कितना होगा 36 डिग्री, ये भी कितना होगा 36 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो आपके दिमाग में आ गया, बीच में से पकड़ के खींचा, यानी दोनों भाग बराबर, ये 72 है तो ये भी कितना है 72 है, दो 72 है तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। देखिए क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समपंचभुज है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जिसकी पांचों ही भुजा बराबर हो उसको क्या कहेंगे, समपंचभुज कहेंगे। जिसकी पांचों ही भुजा कैसी हो बराबर, ये कैसा एक समपंचभुज है, उसका नाम क्या है, ए बी सी डी और ई, और इसके अंदर एक पॉइंट है, उसको क्या कह रखा है, ओ पॉइंट कह रखा है, ठीक है। अब अपने को कहता है ए ओ बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ए ओ बी ये क्या दे रखा है, एक आपको समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा कैसी हो बराबर हो, और आप जानते हैं कि आपके पास में समपंचभुज है, इसकी मतलब जो पांचों ही भुजा कैसी होगी बराबर होगी। अगर आपके पास में ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों ही भुजा बराबर, तो तीनों ही कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या पूछता है, ओ ई ए आपको ज्ञात करना है, ओ ई ए ये ज्ञात करना है, ये एंगल कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि अपने पास में पंचभुज होता है उसके अंत्यकोणों के योग का फॉर्मूला है एन माइनस टू इंटू 180। अब हमारे पास में n की वैल्यू क्या दे रखी है, n की वैल्यू जो हमारे पास में भुजा है समपंचभुज है, पंचभुज यानी पांच भुजा होगी, तो पांच में से कितना घटा देंगे, दो घटा देंगे तो तीन बच जाएगा, तीन को 18 से गुणा करेंगे, 18 54 540 डिग्री हो जाएगा। ये तो हो जाएगा सभी अंतःकोणों का योग हो जाएगा। अब अपने को क्या देखना है, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो कितने कोण है टोटल, पांच कोण है तो पांच से डिवाइड कर देंगे, पांच एकम पांच, और ये कितनी बार कट जाएगा, 108 बार कट जाएगा, यानी प्रत्येक जो अंतः कोण होगा यहां से लेकर के यहां तक ये कितना डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें से अपने को दे रखा ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बच जाएगा, 108 में से 60 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 48 डिग्री बच जाएगा, कितना डिग्री बच जाएगा, 48 और 60 दोनों को जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 48 डिग्री। अब देखिए दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर होगी, इन दोनों के आमने सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर होगी। भुजाएं अगर बराबर है तो आमने सामने कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए एक हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण तो ये है, तो 48 को तो हम घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 10 में से 8 या 2 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा, 3 बच जाएगा, और ये 1, यानी हमारे पास में दोनों कोणों का योग कितना है, 132 है। तो हमारे पास में दोनों भुजा बराबर, तो दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 छींक 12 यानी ये भी कितना होगा, 66 डिग्री का होगा, ये भी 66 डिग्री का होगा। तो हमारे पास में ये वाला चाहिए था ओ ई ए, ये एंगल कितना हो जाएगा, 66 डिग्री। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, एक मैदान जिसका क्षेत्रफल 2400√3 वर्ग मीटर है, एक नियत षटभुज के आकार का है, यदि खेत की बाड़ लगाने की लागत 16.80 मीटर पर मीटर की मीटर है, तो खेत की पूरी तरीके से बाड़ लगाने के लिए आवश्यक कुल लागत कितनी होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि षटभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 6 से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को, तो हमारे पास में षटभुज का एरिया निकल जाता है, जो कितना दे रखा है, 2400√3 दे रखा है। तो देखिए √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 चौक 24, 4 का 4 से गुणा करेंगे, ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो कॉमन आ जाएगा, 4 का 4 से गुणा 16 का रूट 4 आ जाएगा, 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास में इसकी साइड कितनी मिल जाएगी, 40 मिल जाएगी। साइड अगर 40 है तो अपने को क्या ज्ञात करना होगा, इसका पेरीमीटर ज्ञात करना, क्योंकि बाड़ लगानी यानी पेरीमीटर ज्ञात करना, पेरीमीटर ज्ञात करना तो कितनी भुजाएं होती, 6 भुजा होती, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर आने के बाद में 1 मीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर जो बाड़ लगाने खर्चा है वो 16.80 है,
तो ये इसका खर्चा हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने 2 जीरो आ जाएंगे, ये एक और दो संख्या बाद में पॉइंट है तो 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब हम क्यों क्या करना, अपने को इक्का अंक देख लेना, 8 को 6 से गुणा करेंगे 8 चंग 8 चंग 48, और 8 का 4 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, यानी इक्का अंक आगे कोई भी संख्या आएगी लेकिन इक्का अंक कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का इक्का अंक इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। देखिए क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ एक सम बहुभुज है, सम बहुभुज का मतलब कितनी भुजा हो जाएगी, देखिए शीर्ष वर्टेक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टेक्स है, यानी कौन सा भुज हो जाएगा, षटभुज हो जाएगा, और वो सम बहुभुज है यानी सारी भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी, 1 2 3 4 5 और 6, यह है ए बी सी डी ई और एफ। ये कहता है ए से देखा जाता है सी और डी को, किसको देखा जाता है, इसके बिंदु सी और डी पर दो स्तंभ खड़े हैं, एक तो सी पर इस तरीके से खड़ा है सी पर स्तंभ, एक डी पर खड़ा है इस तरीके से स्तंभ, ठीक है। और ये स्तंभ बिंदु ए पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी एक स्तंभ ये है जो सी पर खड़ा है, एक स्तंभ ये है जो डी पर खड़ा है, ठीक है। हमको कहां से देखना, पॉइंट ए से देखना, दोनों को कहां से देखना, पॉइंट ए से देखना है, तो ये देखा जाता है इसका शीर्ष उन्यन कोण, उन्यन कोण का मतलब क्या होता है, इसके शीर्ष को देखना है, तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, और दूसरा वाला डी पर देखने पर कितना दिखाता है, स्तंभ 60 डिग्री का कोण दिखाता है। तो अपने को क्या बताना है, हमारे को दोनों स्तंभों की ऊंचाई का रेशियो बताना है, इसका और इसका दोनों का अनुपात क्या होगा। तो ये देखिए स्तंभ तो 90 डिग्री एंगल पर खड़ा है, दोनों किस पर खड़े हैं, 90 डिग्री एंगल पर खड़े हैं, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 60 90, ये 90 ये 60 ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हमारे को जो मेथड बताया है, तीनों एंगल अगर आपको दे रखे हो तो आप उनकी साइड का रेशियो बता सकते हैं, 30 60 और 90 अगर एंगल है तो इनकी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1√3 और 2 होता है, ये मैंने आपको सिखा रखा है। तो हमारे पास में देखिए ये दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, 1 होगी, 60 के सामने वाली भुजा कितना होगी, √3 होगी, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:√3 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए एक सम षटभुज ए बी सी डी ई एफ की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यदि टी सी डी का मध्य बिंदु है तो ए टी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, आपको बतानी। तो आपके पास में कुछ इस तरीके से क्या दे रखा है, एक षटभुज दे रखा है, रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं कैसी है, बराबर है, और ये नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी ई और एफ। ये कहता है आपको सी डी जो दे रखा है उसका मध्य बिंदु टी है, सी डी सी डी इसका मध्य बिंदु ये जो दे रखा है ये टी है। तो हमारे पास में हम जानते हैं कि सारी जो भुजा है वो अपने को कितनी देर की है, तो देर की यहां से लेकर के यहां तक 2 है, तो इसका मध्य बिंदु इसका मतलब 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ये 1 और ये 1, ये 2 हो जाएगा, 1 और 1 1 2, ठीक है, सी से डी कितनी हो जाएगी, 2, तो टी अगर मध्य बिंदु है तो 1 1 दोनों बराबर बढ़ जाएंगे। आपको कहता है क्या कहता है कि ए टी की लंबाई याद करनी, ए से टी की लंबाई ये कितनी होगी ये आपको बताना है। तो ये कैसे ज्ञात होगी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस शीर्ष से मिला देते हैं इसको इस तरीके से, तो हम जानते हैं कि ये तो क्या होता है 120 होता है, और ये दोनों कितने होते हैं 30 30 डिग्री के होते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट में पहले सीख रखा है। अगर ये 30 है और हम जानते हैं कि हमारे पास में जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसमें टोटल एंगल कितना बनता है, आंतरिक कोण कितना बनता है, 120 डिग्री बनता है, तो ये 30 हो गया तो कितना बच गया, ये 90 डिग्री बच गया, 90 और 30 कितना होता है 120 होता है, यानी ये कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। और हम जानते हैं कि ये जो छोटे वाले जो विकर्ण होते हैं वो √3a होते हैं, छोटे वाले विकर्ण, a की वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में दे रही थी, a की वैल्यू टोटल कितनी है, और ये जो भुजा होगी इसकी सभी भुजा कितनी है 2, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो हमारे पास में ये जो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 2√3 हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या देर का, लंब देर का, आधा देर का, तो हम इससे कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण कैसे निकलेगा, तो आपके पास में लंब का स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, लंब का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस और इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 और 1 13, तो हमारे पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा √13 आ जाएगा। ये जो ए से टी की लंबाई है ये कितनी आ जाएगी √13 आ जाएगी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
भी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है।